हीरो और मोती की बात कर रहे हैं तो चेन्नई की बात करें, चेन्नई के साथ क्या हुआ पिछले सीजन में, इतना करीब, जैसा कि हर्षा जी कह रहे हैं बाहर जो स्विमिंग पूल और नजारा है उसके बारे में कि हाथ आया पर मुंह ना लगा, पिछले साल चेन्नई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, हाथ आया पर मुंह ना लगा, इतने से रह गए बिल्कुल। अजय कितना दर्द हुआ होगा उनको पिछले फाइनल के बाद, एमएस धोनी की शक्ल पे मेरे ख्याल से 15 साल में पहली बार हमने इतनी निराशा देखी थी उस फाइनल के बाद, क्योंकि देखिए ना आप इतना कितना रह गया था, यू नो एक रन एक इंच, भैया ये पिछला साल जो है ना 2020 और मतलब 19 से ले ले महेंद्र सिंह धोनी के लिए तो 2 इंच की लाइफ में फर्क पड़ गया, यू नो दो एक एक इंच दो जगह पे ना इतने भारी पड़े जो पूरा करियर में नहीं फर्क पड़ा होगा कभी, तो डिसअपॉइंटमेंट तो होगी। लेकिन देखिए 2020 फॉर्मेट जब ये शुरू भी हुआ है इतने सालों से हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप बेहतर टीम है तभी आप मैच जीतेंगे, इस फॉर्मेट में किसी का दिन अगर आ जाए ना तो आप कभी भी किसी भी टीम को हरा सकते हैं, लेकिन उस दिन वैसा नहीं हुआ था। ये दोनों टीमें जब भी खेलती है ना आप देखो ये इनका खेलने का अंदाज यह है ऐसा है या जो भी वजह कह लें कि इतने क्लोज रहते हैं ये मैचेस कंसिस्टेंसी में, ये जो ग्राफिक आपके स्क्रीन पे है इसको देख लें आप तो इससे ज्यादा कंसिस्टेंसी तो 2020 के फॉर्मेट में शायद वर्ल्ड में नहीं हो सकती। ये इस बार पहली बार हुआ होगा वहां पे वेस्ट इंडीज में जो लगातार 12 मैच एक टीम जीत के चली गई, क्योंकि इस फॉर्मेट में कंसिस्टेंसी अचीव करना मैं मानता हूं कि शायद यू नो टेस्ट मैच में मेरे से तो नहीं हुई वो छोड़ो, लेकिन टेस्ट मैच से भी ज्यादा मुश्किल है इसमें कंसिस्टेंसी करना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये खेलना उससे मुश्किल है, लेकिन कंसिस्टेंसी किसी की परफॉर्मेंस में चाहे इंडिविजुअल हो चाहे वो टीम हो, तो उस लिहाज से चेन्नई सुपर किंग्स का कभी कोई मुकाबला नहीं है। और अनलाइक मुंबई इंडियंस जिसका कोर आप बात कर रहे हो, इसका भी कोर है लेकिन इसका कोर बहुत छोटा है, इसका एक कोर था सुरेश रैना और दूसरा महेंद्र सिंह धोनी, बाकी अगर आप देखें रविंद्र भी बाद में आए हुए हैं, इसमें अश्विन थे एक जमाने में उस कोर में, एक जमाने में पार्थिव पटेल भी खेल के गए वैसे महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ इस टीम में, तो इसका कोर सिर्फ धोनी और धोनी। नहीं बिल्कुल सही, और जैसे हमने चेन्नई की परफॉर्मेंस देखी जो हुई है लीग में, वो देखिए जैसे जब जॉय भट्टाचार्य खेलने आए तो एक कंपलसरी ब्लाइंड उनकी रहती है कि कोलकाता की बात करेंगे, वैसे ही चेन्नई जब आती है तो एक कंपलसरी ब्लाइंड रहती है कि प्लेऑफ में तो आएंगे, 10 में से 10 हो गया है, ठीक है 2 में तो रहे नहीं थे बीच में, वो 2 टूर्नामेंट में थे नहीं, पर हर्षा 10 में से 10 प्लेऑफ हो गए, 11 में से 11 होंगे। देखो मुझे चेन्नई का खेल देखने में बहुत मजा आता है और मैं अक्सर कहता आया हूं कि इस आईपीएल में इतने दिग्गज खिलाड़ी हैं हर जगह, लेकिन मेरी आंखें अगर एक प्लेयर पे जाएंगी तो एमएस धोनी पे रहेंगी, क्योंकि मैं ये देखना चाहूंगा कि क्या वो इतने साल इतने दिनों से नहीं खेलते आ रहे हैं, क्या उसका असर होगा या रेस्ट की वजह से रिफ्रेश होके आएंगे। लेकिन आपके साथ जो टीम है ना, उम्र का जैसे आपने पहले ही हमको बोल दिया, चलो उम्र का जो हिसाब होता है ना वो आप कुछ देर खींचो हर साल आपकी इंजन ये सब गाड़ियों को खींच सकेगी कि नहीं, इसका मुझे डाउट है। पता नहीं क्यों मैं बड़ा फैन हूं सीएसके का, लेकिन अंदर ना मेरे अंदर एक बेचैनी सी आवाज बोल रही है कि शायद इस साल इंजन में शायद उतना दम ना हो कि इतनी सारी बोगियों को खींच के ले जाए। ये तो सही बात बोली आपने, क्योंकि देखिए मुझे तो पता नहीं है क्योंकि मैं तो मतलब 35 से नीचे हूँ, पर 35 के बाद थोड़ा इंजन थोड़ा सा तो स्लो हो जाता है ऐसा मैंने सुना है, जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं वो स्लो होते होते हैं। अरे वो शेन वॉटसन का इंजन था, वो शेन वॉटसन का इंजन वार्म अप होते होते सेमीफाइनल आ जाती थी, करेक्ट, लेकिन जब एक बार वार्म अप हुआ उन्होंने एक फाइनल जिताई, दूसरी फाइनल करीब करीब जिताई, तो आप ये कह नहीं सकते। चेन्नई की एक खास बात है जो आपने 2018 में भी देखी कि अलग अलग लोग मैच जिता रहे थे उनके लिए, जैसे कभी जडेजा ने जिताई, कभी ब्रावो ने जिताई, कभी एक टांग पे जाधव ने जिताई, कभी एमएस ने खुद जिताई, कभी दीपक चाहर ने जिताई, ये एक उनकी खास बात होती है क्योंकि धोनी इस्तेमाल करते हैं प्लेयरों को ऐसे, कभी चाहर को 5 पे भेज दिया, कभी हरभजन को इस्तेमाल ही नहीं किया, तो उनकी स्टाइल अलग होती है, वो सारे सबको मैदान पे ले जाते हैं फिर तस्वीर करते हैं कि किसके साथ मुझे खेलना है, इसलिए अलग अलग मैच जिताने वाले उनके पास है। जैसे हम आरसीबी के बारे में कहते हैं कि 2 ही मैच जिताने वाले हैं, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों लॉजिक तो कहता है कि चेन्नई को क्वालिफाई करना चाहिए, लेकिन एक अंदर ये आवाज चूं-चूं कर रही है कि मुझे सुनो। सर अजय मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तो मैं सोचता हूँ चेन्नई के लिए, सुरेश रैना जब भी ये पीले कपड़े पहनते हैं
तो 2 फुट लंबे 2 फुट चौड़े और उनका बैट का जो मिडल है वो यहाँ पॉइंट से लेकर, ठीक है, ये जो होता है इनके साथ आईपीएल में बहुत कम खिलाड़ियों के साथ होता है। ये नहीं आए इस वाले टूर्नामेंट के लिए जहां पर आप जानते हैं महामारी चल रही है, इतने समय से लोग खेले नहीं। ये जो है यूथ खिलाड़ी है, अगर बाकी एज देख लें तो यूथ खिलाड़ी हुए सुरेश रैना, इनको कितना मिस करेंगे? देखिए आप जरूर मिस करेंगे क्योंकि जिस खिलाड़ी के इर्द गिर्द बल्लेबाजी घूमती रही हो, क्योंकि अभी बात कर रहे थे इतने खिलाड़ी आए इतने गए, इनके इर्द गिर्द घूमती रही है, इनका एक रोल था और वो इस ग्राफिक में आप देखें रन्स के जो भी है वो एक कंसिस्टेंसी थी रन बनाने की, आप खेलेंगे एक कॉन्फिडेंस था, क्योंकि देखिए कई टीमों में जो इस नंबरों पे खेल रहे हैं लड़के उनको लगता भी नहीं है कि मैं 2 खेलूंगा 4 खेलूंगा, रोल बदलते रहते हैं, इनका रोल कभी बदला नहीं है, इनका रोल अपने अंदाज से ही खेलते गए। एक मैच मुझे याद आता है जो बिल्कुल अलग खेले थे सुरेश रैना, आई थिंक मुंबई में वो नॉकआउट गेम था मैच, उन्होंने पहले 6 ओवर में 100 रन बना दिए थे चेन्नई ने उस बार। उसके अलावा अगर आप देखें उस ग्राफिक को भी अगर हम दोबारा दिखा पाएंगे कि उसमें कंसिस्टेंसी स्ट्राइक रेट की भी कोई ऐसी नहीं है, बहुत ऊपर नीचे, शुरुआत करी थी उन्होंने 140 से जब शुरू हुआ, फिर 30-35 पे आए, फिर 50 पे गए एक साल 2012 में, अब वो स्ट्राइक रेट अगर आप देखते चले जाएंगे नीचे तो वो स्ट्राइक रेट भी नीचे जाती चली गई है। तो उनका और ज्यादा फर्क नहीं है ऊंचे और नीचे में, अच्छे सीजन में या बहुत बुरे सीजन में, तो उनका जो रोल था ना वो एक अनुभवी खिलाड़ी और 3 नंबर पे उनके इर्द गिर्द खेला करती थी टीम। तो अब जैसे महेंद्र सिंह धोनी की बात अभी हर्षा जी ने भी की कि वो हर बार अलग तरीके से खिलाते हैं, तो मैं तो एक ही उपाय देख रहा हूँ, क्योंकि 3 नंबर पे आ गई ना बात, इस साल 3 पे बड़ा जोर रहेगा, तो आपके पास एक स्टेपनी है 3D प्लेयर है, उसको भी तो 3 नंबर कभी खिला के देख लो। अगर रविंद्र जाडेजा 3 नंबर खेलेंगे तो पूरा सीजन, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि वो 350 रन से ज्यादा बनाएंगे जितने उन्होंने बनाए हैं। 14 मैच आप उनको खिला के देखिए, 12 साल हो गए हैं, और अगर वो 3 पे खेलेंगे तो क्वालिफाई करेंगे, नहीं तो मैं भी हर्षा जी के साथ हूं। सर बहुत बड़ी बात कह गए, बहुत बड़ी बात कह गए अजय जाडेजा, सबसे बड़ी बात ये कह गए कि पहली बार उन्होंने रविंद्र को जाडेजा के नाम से पुकारा। जाडेजा जो है ना वो जाडेजा एक सोच है, वो जो भी आना चाहे हम तो सबको जाडेजा बना लेते हैं। जाडेजाओं की बड़ी खासियत है, जाडेजाओ अगर आप हमारी तरफ जाएंगे और जाडेजा का सुनेंगे ना तो ऐसे ऐसे लोगों ने भी अपना लिया है नाम जाडेजा जो उनके ऊपर पिक्चरें बन चुकी हैं, वो गोलियां भी चलाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है 3 नंबर वाली, वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं मैं आई फील दिस, मैं ये क्यों फील करता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप याद करें रविंद्र जब आए थे एक्चुअली ये विराट कोहली के साथ अंडर-19 के जमाने से आए हैं, आपने सारे खिलाड़ियों को पिछले 12 साल में आगे खिला के कोशिश कराई है बल्लेबाजी कराने की, बॉलिंग कराने की, विजय शंकर को 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर, बहुत लोग आके गए। ये खिलाड़ी जो भाई कहाँ देखते हैं आप, डोमेस्टिक क्रिकेट में देखते हैं या उनका खेलने का अंदाज देखते हैं, वो तो मैं नहीं मानता जो विजडन ने अभी वो नंबर्स निकाल के दिखाया है कि हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी उनको बना दिया है, वो नंबर्स की बात रही, लेकिन इनमें बल्लेबाजी की क्षमता जरूर रही है, इनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। और अगर आपको, क्योंकि ये आसान हो जाएगा, वो वैसे भी टीम में खेलते हैं महेंद्र सिंह धोनी के लिए, हमेशा वो साथ में खेलते हैं, वो एक रोल अदा करते हैं। अब आप सुरेश रैना जब नहीं है तो आप अगर इनको खिला दें वहां पे और वो एक एक लॉन्ग सा रन मिलेगा, तो मेरा ये मानना है कि उनकी एबिलिटी जो है बल्लेबाजी की वो इतनी अच्छी जरूर है, अगर वो 14 मैच खेलेंगे तो वो 350-400 रन जो आप एवरेज अच्छा गिनते हैं, जो मतलब कईयों की हम और भी बात करेंगे, उतने रन वो पक्का बना के देंगे आपको। एक और भी बात हो जाएगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोच, एक और भी बात हो जाएगी, अगर सुरेश रैना नहीं खेलते तो सारे राइट हैंडर बनते हैं 6 नंबर तक, कोई लेफ्ट हैंडर नहीं होता बीच में, सारे राइट हैंडर बनते हैं, और अक्सर देखा गया है कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लेफ्ट आर्म स्पिनर का बहुत इस्तेमाल होता है। तो अगर जाडेजा 3 पे खेलते हैं, सॉरी अगर रविंद्र 3 पे खेलते हैं, तो ये एक
सोचने वाली बात है। अजय जाडेजा ने कभी ऐसी सीधी सोच नहीं थी, अजय जाडेजा की हर वक्त तरह से अलग सी सोच होती थी, ये इंटरेस्टिंग बात है बहुत। नहीं क्योंकि ये ऑब्वियस है, भले मुझे नहीं पता सुरेश रैना क्यों नहीं है टीम में, कब घर चले गए, आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन ये फैक्ट है कि अभी तो नहीं आ सकते क्योंकि 14 दिन का तो आपका कम से कम वक्त लगेगा। तो शुरू के मैचेस में और कुछ बदलाव नहीं करना आपने, आप देखें ना, आपको एक और पूरे बॉलर का ऑप्शन मिल जाएगा, उनके पास सेंटनर भी है जो थोड़ी बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाजी करते हैं, तो जहां रविंद्र खेलते थे इतने सालों से वो वहां पे सेट हो जाएंगे सेंटर, तो ये दोनों परमानेंटली खेल सकते हैं। हम खेल रहे हैं यूएई में, दुबई में, शारजा में, जहां पे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करेगा स्पिन ज्यादा होती जाएगी, और ये दोनों स्पिनर ऐसे हैं कि इनको विकेट चाहिए थोड़ी सी कुछ करे, अगर बिल्कुल फ्लैट है तो फिर ये आधे आधे गेंदबाज आधे आधे बल्लेबाज, जो महेंद्र सिंह धोनी के पास एक और बहुत बड़ा यू नो एक अस्त्र हो जाएगा। और देखिए इसमें थोड़ा इमोशन भी तो है ना भाई, है तो रविंद्र अपना ही जामनगर का भाई। बिल्कुल बिल्कुल, और ये खुराफाती दिमाग जो आपने लगाया ये बहुत बढ़िया है। तो मुझे बताइए आपकी भविष्यवाणी चेन्नई के लिए, कोई क्या लीग स्टेज में कहां खत्म करेंगे, क्या लगता है? यार देखिए मैं हर्षा जी के साथ हूँ क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी है ना, जो वो एक एनिग्मा, ठीक वर्ड होगा सर, मतलब वो तो वो उनका आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो। एक तो प्रॉब्लम इस साल ये हो रही है अंदाजा लगाने में, आप पूछे जा रहे हो कौन पहुंचेगी कौन नहीं, अरे 8 महीने से लोग बिस्तर में बैठे हैं, किसी को खेलते हुए नहीं देखा, मतलब कोई हम कोई यहाँ पे शनि की दशा देख के थोड़ी बताते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, खेल तो देखना पड़ेगा ना सर। शनि की नहीं तो फनी की बता दो। फनी की ये है कि अगर 3 नंबर रविंद्र खेलेंगे तो 100% क्वालिफाई करेंगे। शेर से याद आया, अपना शेर किधर है, कहीं नजर नहीं आए बड़े साल से। शरीफा हाँ सर, शेर आपने अब शेर बोल ही दिया वर्ड, तो मैं भी आपको सुना देता हूँ। शेरों को आजादी है, आजादी के पाबंद रहे, जिसको चाहे चीरे पड़े, खाई पिया आनंद करे।